नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना से पूरी दुनिया कराह रही है, रास्ता नहीं सूझ रहा। इटली सबसे टॉप पे है, 16,000 से अधिक मौत। उसके बाद स्पेन है, उसके बाद अमेरिका आ रहा है, अमेरिका में भी 10,000 से अधिक मौत हो चुकी है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो बौखला गए हैं कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के लिए भारत पर दबाव डाल रहे हैं। आखिरकार ये कौन सी दवाई है जिसके लिए दो मित्र देश, भारत और अमेरिका दोनों मित्र देश माने जाते हैं, अचानक उनमें तनाव हो गया। ये बात अलग है कि भारत ने उस चीज़ को ज़्यादा महत्व और तवज्जो नहीं दिया। ट्रंप ने कहा था कि यदि भारत इस दवाई की सप्लाई नहीं करता है तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले इस दवाई के बारे में जानते हैं, फिर इसके पीछे की पॉलिटिक्स जानेंगे। दरअसल ये मलेरिया रोधी दवाई है, यानी कि जब मलेरिया होता है तो जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत उन देशों में से एक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल भी होता है और मलेरिया को रोकने के लिए यहाँ पर उसका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। और अब जब कोरोना फैला है पूरी दुनिया में तो आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि 20 ऐसे देश हैं, 20, जो कि इस दवाई को भारत से मांग रहे हैं। उसमें पड़ोसी देश जो है श्रीलंका और नेपाल भी है। अब भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 25 मार्च को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वाइन, दोनों बोल रहे हैं इसको, इस पर के निर्यात प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात प्रतिबंध क्यों लगाया? जैसे ही कोरोना फैलने लगा तो भारत के एक्सपर्ट्स ने ये राय दी थी कि ये दवाई, ये तो नहीं कर सकते कि इसकी ये कारगर दवाई है, बट ये काम कर सकती है। काम किन पे ज़्यादा अच्छा करती है? जो स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ लोगों की इलाज में लगे हैं उनको ये दवाई दी जाती है। तो इसके निर्यात प्रतिबंध लग गया। अब क्या हुआ कि इसी बीच में जब अमेरिका में आप कह सकते हैं 4.25 लाख संक्रमित हो गए हैं, वहाँ केस हो गए हैं सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा। जब केसेज बढ़ने लगे तो अमेरिका ने अचानक इस दवाई की डिमांड की। भारत ने जो है 6/7 को इस पे जो है निर्यात के प्रतिबंध खोल दिया, जिसको लेकर के सरकार की आलोचना भी हो रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि कोई भी देश, जब भी ऐसी आपदा आती है तो कोई भी देश सबसे पहले अपने लोगों को देखता है, अपने को देखता है, फिर निर्यात या और देशों की तरफ वो देखता है कि उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं। भारत के सामने इस समय ये चैलेंज है कि वो 20 देशों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगा। अब इस दवाई के बारे में आते हैं, क्या ये कोरोना का एग्जैक्ट इलाज है? बिल्कुल नहीं। कोरोना के इलाज के लिए तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं कि इसका कोई वैक्सीन खोजा जाए। फिर क्यों इतनी डिमांड हो रही है? आपको एक और बात याद दिलाऊं, शुरू में ये भी बात आई थी कि HIV के लिए जिस दवा का इस्तेमाल होता है वो भी इसमें काम कर रही है। तो है क्या कि केस टू केस जो दवाएं उपलब्ध हैं वो इस्तेमाल की जा रही है। किसी में कोई दवा काम कर जा रही है, किसी में कोई दवा काम की जा रही है, लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में ये माना जा रहा है कि ये स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब बात आते हैं कि इसमें क्या होता है, क्या आप इससे ले सकते हैं? क्योंकि भारत में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे किसी दवाई के बारे में पता चलता है, जैसे ज़रूरी सामान के बारे में ये होता है कि लॉकडाउन बढ़ जाएगा, वैसे ही जो है दुकानों पे और मार्केट में जो है भीड़ लग जा रही है, उसको किसी तरीके से जल्दी से जमा करो। इस दवाई को आपको अपने से इस्तेमाल नहीं करना है, पहली बात, ना ही इस दवाई को लेने से। एक्सपर्ट्स का कहना है, जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इस पूरे मामले को देख रही है, उसका भी कहना है ना तो आप इसको अपने से लेंगे, ना ये एग्जैक्ट इलाज है, लिहाजा इस दवाई के को खरीदने के लिए होड़ मचाने की जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्या जी मितलाना, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, इसके अलावा इसका फर्क जो है दिल और किडनी पे भी पड़ता है, तो इस दवाई का बाल झड़ने लगता है, तो इस दवाई का आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए इसको लेकर के, इसकी खरीदारी को लेकर के होड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अमेरिका क्यों इतना जो है वो इंटरेस्टेड है इस दवाई के लिए, क्यों 20 देश भारत से मांग रहे हैं? तो उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा बहुत इसमें काम कर रहा है। दूसरी बात कि जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ, उनके लिए ये फायदेमंद है। और अमेरिका में चूंकि लगभग 4.25 लाख, 3,60,000 के आसपास बताए जा रहे हैं संक्रमित हैं या संदिग्ध हैं, तो अमेरिका में इसकी ज़्यादा डिमांड हो रही है। उन लोगों को ये लग रहा है कि ये ज़्यादा काम कर जाएगा। एक और रिसर्च आया है जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ी है कि जिन देशों में मलेरिया फैलती रही है, एशियाई देश ज़्यादा है, उसमें भारत भी है, भारत बल्कि कह सकते हैं कि टॉप पे है, वहाँ पे जो है इस बीमारी का, यानी कोरोना का जो इफेक्ट दिखा गया है वो अन्य देशों से कम देखा गया है।
तो माना यह जा रहा है कि जो देश मलेरिया से लड़ रहे हैं या लड़ते रहे हैं वहां पे कोरोना इतना इफेक्टिव नहीं है। तो भारत के फेवर में दो चीजें जा रही है, एक तो गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, गर्मी से डायरेक्ट कोरोना का मतलब है कि नहीं अभी ये इस्टेब्लिश होना है, लेकिन ये माना जाता है कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो कोई भी वायरस हो उसके अस्तित्व में रहने का खतरा पैदा हो जाता है। तो एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और दूसरा भारत जो है मलेरिया को झेलता रहा है, इसलिए भारतीयों में की जो प्रतिरोधक क्षमता है या मलेरिया को जो झेल रहा है उसकी वजह से कोरोना होने का खतरा अन्य देशों या कह सकते हैं पश्चिमी देशों के मुकाबले कम है। इकलौता चीन ऐसा है, हालांकि चीन के बारे में कहा जाता है कि वो सही जानकारी नहीं दे रहा है, जो इतनी बड़ी महामारी पे इतना जल्दी कंट्रोल किया और उसमें उसके यहाँ जो मरने वाले हैं वो 3300 के आसपास हैं। बाकी पश्चिमी देश हलकान है, भारत अपने को कंट्रोल किए हुए है और कंट्रोल करने में सबसे यदि किसी चीज़ का योगदान है तो वो है लॉकडाउन का। भारत के ऊपर दो शिकायतें थी, दो आरोप थे, वो एक ये था कि जाँच नहीं प्रॉपर हो रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जाँच नहीं हो रही है, जिस बात पे चल करके साउथ कोरिया ने इसको कंट्रोल किया, वहाँ पे बहुत कम दिनों में 2.5 से 4 लाख केसेज जो है वो जांच हो गई थी। तो उसके लिए भारत ने अब किट तैयार कर ली है, सस्ता किट तैयार कर लिया है, तुरंत जो है टेस्ट हो जाएगा। भारत ने अपनी जांच बढ़ा दी है और इसके पास जो है वही मलेरिया वाली दवाई भी पर्याप्त है। बाकी एग्जैक्ट इस बीच में कहीं से किसी देश ने ईजाद कर लिया तो वो कारगर ज़्यादा साबित होगी। बट ये है ट्रंप के अचानक भारत से नाराज हो जाने का कारण, हालांकि भारत ने अमेरिका को जो है ये दवाई भेजने का निर्णय ले लिया है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।